बहिन के दहेज खातिर प्रताड़ित कल जा रहल बा। आदरणीय श्री अशोक कुमार दीप जी ए भाव के कितना बढ़िया से लिखता नहीं कि बहिन रो रो के अपना भाई के चिट्ठी लिखतिया। ई पता कैसे चलता जब भाई रो रो के बहिन के पाती पढ़ता तो सारा शब्द ओकरा आंसू से भीगल बा। कितना बढ़िया बाबा सुनी लिखला पाती पढ़े रोई रोई पाती पढ़े बहिना का भाई रोई रोई पाती पढ़े बहिना का भाई रोई रोई पाती पढ़े। आगे बहिन लिखतिया कि भैया हो घर में सास ननद हमेशा ताना मारता लोग कहता लोग कि तोरा नैहर के लोग मर जाओ जर जाओ जौन तय कई उदिहल्ला भैया हमसे अभी बात साहत नहीं के ए दर्द के समझी देखी का भाव बा। भैया हो दहेज में न दिहल स्कूटर रोज शराबे सास उजड़े तोर नहीं है। भैया हो दहेज में न दिहल स्कूटर रोज शराब उजड़ तोर नहीं है। आग लागो जाने तोर आग लागो जाने तोर बाप का कमाई रोई रोई पाती पढ़े रोई रोई पाती पढ़े बहिना कभाई रोई रोई पाती पढ़े बहिना कभाई रोई रोई पाती पढ़े। आगे बही लिखतिया कि भैया हो रोज ताना सुनता नी कि तोर भाई बाप जौन तय कैले वो दहेज पूरा ना कैले। ए भैया अब सहात नहीं के कर कोनो उपाय निकाल न तो अपना बहिन के मुँह ना देखब। डोली ना चढ़वला पूरा कोई के मंगनवा भैया हो बहिन बदे भेजी दो कफनवा। डोली ना चढ़वला पूरा कोई के मंगनवा तो भैया हो बहिन बदे भेजी दो कफनवा। ना तो बेकफन मोर ना तो बेकफन मोर लाश उठी जाई रोई रोई पाती पढ़े रोई रोई पाती पढ़े बहिना कभाई रोई रोई पाती पढ़े बहिना कभाई रोई रोई पाती पढ़े। लिखतिया बहिन आगे कि ए भैया ए दहेज लोभियन के मांग पूरा कर द नहीं तो फिर मुँह नहीं देखब और सावन में
जैसे कि जब बहिन के हाथे राखी बनवावे अइबा तो बहिन के पैबा ना आए भैया, वो दिन तहार कलाई सुना सुना रहे, देखी कैसे। सुसुकी रहीबा रखिया के दिनवा मोह नहीं देखबा जब आई सावनवा सुसुकी सुसुकी रहीबा रखिया के पाती पढ़े रोई रोई पाती पढ़े बहिना का भाई रोई रोई पाती पढ़े बहिना का भाई रोई रोई पाती पढ़े।